पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि तूरिया ने कैसे तुंगनाथ तक चार घंटे में चढ़ के अपना दर्शन पूरा किया। अब बारी थी चंद्रशिला तक चढ़ने की। पहले हमने यही सोचा था कि तूरिया को हम गोदी लेके ही चढ़ेंगे, पर आपको मालूम होगा कि तुंगनाथ जी से चंद्रशिला का रास्ता बिल्कुल भी बनवानी है और पत्थर से भरे हुए हैं, तो वो थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम तूरिया को पैदल ही लेके चलेंगे। सो ये है वो स्टीप रास्ता जो हमें उसके ऊंचा तक ले जाएगा, वो है चंद्रशिला। एंड सी दिस इज द वे, फुल स्टीप। और यहाँ से हम आए हैं अभी मंदिर के दर्शन करते हैं। सो तूरिया यहाँ तक तो चल रही है, नहीं पता कब तक उसकी बैटरी देती है। सो या लास्ट जो 1 to 1.5 किलोमीटर है, इट्स टफ। अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो, अगर आप कुछ कैरी नहीं कर रहे हो एंड यू आर यंग एंड फिट एनफ, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो पहला पड़ाव हमने कवर कर लिया, वहाँ तूरिया है, वो भी आ जाएगी आज कोई 100 to 100 मीटर्स। लगा था यही है चंद्रशिला, लेकिन नहीं, हमें तो और ऊपर जाना है, वहां तक पहुंचना है। सो या गेट सेट गो। ऑलवेज ट्राई 12 बजे से पहले आप यहाँ, उसके बाद क्लाउड्स आ जाती है, फिर पीक्स ढक जाते हैं एंड हवा भी बढ़ जाती है। हमें भी 6 बजे स्टार्ट करना था, बट इट्स ऑलरेडी विंटर। तूरिया, हम चाहते थे तूरिया थोड़ा अच्छे से रेस्ट कर ले, ब्रेकफास्ट करे, फिर आए। तो जब आप बच्चे के साथ आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर बीच बीच में उसको फ्रूटी थोड़ा हाइड्रेट रखने का, सर नहीं पकड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी धूप है। कैप पहना के रखिए या बोलन कुछ, काफ़ी हवा चलती है ना। सो ये आ गई है हमारी तूरिया। वैसे तो तुंगनाथ जी से चंद्रशिला का रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर का होगा और वो आप आधे घंटे में ही कर सकते हो अगर आपके साथ बच्चा और बैग नहीं है तो। बट क्योंकि हम तूरिया के साथ जा रहे थे धीरे धीरे, तो हमारा टारगेट था 1 से 1.5 घंटे में पहुंचना, जो कि हमने कंप्लीट किया। हम 1:10, 1:15 तक चंद्रशिला तक पहुँच गए थे। चंद्रशिला चढ़ते हुए हमें काफ़ी लोग ऐसे मिले जो तूरिया के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, और वो उनका यही सवाल था कि ये भी ट्रैक कर लेती हैं, अगर ये कर लेते तो हमें अपने आप पे शर्म आ रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। जी हाँ, जितने वो सरप्राइज थे उससे ज़्यादा हम सरप्राइज थे कि तूरिया ने हमें इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया। सारा रास्ता वो हमारा हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा थोड़ा जेम्स और चॉकलेट खाते खाते चंद्रशिला पीक तक चढ़ गई। ये उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो लिटिल ट्रेकर इन मेकिंग, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना है। So last few steps to the peak. You Turu, good. Mama, I'm doing a video for you. This is Turu, and this is the peak. लास्ट फ्यू स्टेप्स टू चंद्रशिला पीक। जी हाँ, मैं आपको शब्दों में बयां करके बता नहीं सकती कि एज अ पेरेंट हम कितने खुश हुए थे कि जो जर्नी हम सुबह 8 बजे स्टार्ट किए थे, और हम सोच रहे थे कि क्या ये तूरिया कर पाएगी, क्या हम उससे हेल्प कर पाएंगे चंद्रशिला पीक पहुँचने तक। जी हाँ, 1:30 बजे तक तूरिया चंद्रशिला पीक पे थी, वेदर
परफेक्ट था, हमने सारे रेंज वहाँ से देखे, गंगा यू नो नंदा देवी जी से नीलकंठ पंदरपूंछ हमने सारा देख लिया, वेदर भी हमारे साथ था। तुरिया जय भोलेनाथ और नमो नमो बोलते हुए पहुँच गई चंद्रशिला पीक। लाइफ में अभी बहुत कुछ उसे सीखना है, बट ये जो उसने स्टार्ट किया है, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कुछ हेल्प मिलेगा कि अगर आप भी अपने बच्चे को यू नो पहाड़ों पर ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर सकेंगे, बस उसको थोड़ा सा पुश दीजिएगा। जी हाँ, वी आर नाउ एट चंद्रशिला पीक एंड वी आर एंजॉयिंग द व्यू। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती, आप खुद ही वीडियो देख के उसका आनंद लीजिए। हो गया हमारा चंद्रशिला, तुरिया ने खूब मस्ती की एंड उसने कर दिखाया, लेकिन अभी नीचे जाना है। क्लाउड्स यू नो आप चारों तरफ देख रहे हो, ठंडी हवा भी पड़ रही है, तो अब नीचे उसको पैदल नहीं चलाना है। सो प्रतीक उसको लेके जा रहे हैं एंड आपने तो देख ही लिया होगा, या दिस साइड टोटली गॉन, हमें नंदा देवी जी का दर्शन मिल गया एंड दिस इज फ्रॉम चंद्रशिला पीक। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, सो आई वोंट बी डूइंग मच वीडियो, बस तुरिया सही से पहुंच जाए, तबीयत ठीक रहे और क्या चाहिए। सो सी यू अगेन विथ अनदर ट्रैक। अब तो तुरिया ट्रैक के लिए रेडी है, अब बस नीचे जाना है, बस उसकी तबीयत खराब ना हो, रात को उसको अच्छे से पैर में मालिश दूंगी। एंड आई विल टेल यू कि अगर आप सोच रहे हो कि कुछ करोगे तो वो होता है अगर मन में विश्वास हो, हमारी तुरी ने कर लिया। अभी समय आ गया है नीचे जाने का, हमारा टारगेट था कि 2 घंटे में हमें नीचे तक उतरना है, 4 बजे तक हमें चोपता तक जाना ही है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऊखीमठ था उस रात को स्टे करने का। डिफ़िकल्ट तो होने ही वाला था क्योंकि इतना स्टीप स्लोप को बच्चे को गोदी में लेकर उतरना वॉज अ टफ। सो फर्स्ट तुंगनाथ जी तक तो प्रतीक ने उसे लेके पूरा उतार दिया, उसके बाद वो थोड़ा चली, थोड़ा मेरे पास, थोड़ा पापा के पास, एंड देन प्रतीक ने उसको फाइनली चोपता तक उतारा। चल रहे हैं, तुरिया को नींद आ गई थी उतरते वक्त, फिर भी वो तुंगना प्रतीक ने उसको यू नो अगर प्रतीक नहीं होता तो इट वॉज मतलब बहुत डिफिकल्ट होता हमें उतरना, क्योंकि आसान नहीं बच्चे को कैरी करते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। अब जब यू नो बच्चे के साथ आ रहे हो, बस ऊपर का प्लान क्यों, नीचे कुछ प्लान नहीं, तो हमारे दिमाग में हमेशा ऐसे उतरते वक्त तुरिया को प्रतीक मैक्सिमम, मैं थोड़ा और पापा थोड़ा लेके जाऊँगा। सो अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है तो बोथ साइड हमें सोचना चाहिए, चढ़ते वक्त तो आप स्लोली 4-5 घंटे में चढ़ जाए, लेकिन उतरना डिफिकल्टी लेवल मैं बताऊँगी, अगर यू आर कमिंग अलोन फिट है ना, आप
के लिए कोई बात ही नहीं है, बट अगर आप बच्चे को ला रहे हो तो कुछ ऑप्शंस आपको बस हाथ में होने चाहिए। आपका सीजन चालू है तो आपको यहाँ पे यू नो खच्चर या हॉर्सेस वगैरह मिल जाएंगे। एंड अगर सीजन चालू नहीं है लाइक अभी जैसे यू नो कल ही इनकी यात्रा बंद हुई है फिर भी हॉर्सेस अवेलेबल थे तो बीच एक जगह में मैं चाहे तो ले सकती हूँ या तो फिर आप बीच में स्टे कर सकते हो वहाँ पे धीरे धीरे आके। एंड आपके ग्रुप में भी जैसे आपके बेबी के मामा पापा इज एनफ नहीं स्लोली स्लोली होगा 5-6 बजे रात को हम लेके जाएंगे तब आप वो भी कर सकते हो जैसे हमने वही प्लान नाउ आई थिंक स्पॉटेड समथिंग लेट मी टर्न उस तरफ करती हूँ वीडियो कर दी क्या वो क्या कर मुझे पता नहीं था ये उत्तराखंड का नेशनल बर्ड है। सो तुरिया ने ये भी देख लिया तुरु ये तो मोनाल ये की मोमेंट ये हमेशा मम्मी मम्मी करने वाली लड़की मौका देख के पापा के कंधे पे चढ़ गई। बाय बाय मोनाल जी अब तुरु फिर से जा रही है पापा के साथ तो पापा ने आज इसको बचा दिया ना मैं तो नहीं उतर पाती बीच में कोई होटल देख के मैं वहीं पे रुक जाती। और बस ये बुग्याल तक आ गए हैं हम लास्ट 1.25 किलोमीटर यहाँ से फिर नीचे चोपता। तो अगर आप कभी भी चोपता पे आ रहे हो तो क्या करना अगर आपके पास टाइम है ना उस दिन आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तो थोड़ा एक्लोमेटाइजेशन के लिए 1 किलोमीटर ऊपर आ जाना और आपको ये बुग्याल मिलेगा फोटो भी अच्छी आ जाएगी इंस्टा के लिए और आपका भी थोड़ा यू नो नेक्स्ट डे से पहले एक वार्म अप हो जाएगा। कल वो प्लान था बट हुआ नहीं कि कल हमारी काफी जर्नी थी हम दूसरे साइड के बुग्याल पे गए थे वहाँ पे भी हमने कुछ फोटो वगैरह खींची सनसेट कैप्चर किया। आज तो सनसेट होने से रहा क्योंकि अब तो रैप अप ये अभी नीचे उतरेंगे गाड़ी पकड़नी है। वैसे मैं बता दूं अभी तक तो गाड़ी यहाँ पे मिल रही है शाम तक यू नो 2000 उखीमठ तक लेके जाएंगे उन्होंने बताया और अगर सवारी मिल जाती है तो डिवाइडेड बाई उतने पर्सन तो हमें तो फुल गाड़ी बुक करने के जाने का ही प्लान है अगर कोई सवारी ना मिले तो। देन उखीमठ में आज हमारा स्टे है और कहाँ पे है वो भी नहीं पता वो भी जाके थोड़ा देखना है। देन आज थोड़ा रेस्ट करना है देन कल हमारा उखीमठ में ही स्टे है ढाई साल की इस छोटी सी बच्ची ने सुबह 8 बजे तुंगनाथ जी और चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट किया था और शाम के 4 बजे तक वो फिर से चोपता पहुंच गई। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वीडियो के एंड में हमने कुछ पिक्चर्स डाले हैं जो हमने इस ट्रिप पे लिए हैं आप उन फोटो को ज़रूर देखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।